बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश की दुनिया में मोहम्मद असद एक मरतबा फिर आपको वेलकम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब जहाँ कहीं भी हैं बिल्कुल खैरियत से हैं। इंग्लिश लिटरेचर का एक ज़बरदस्त प्ले आज हम पढ़ने वाले हैं। प्ले का नाम है राइजिंग ऑफ द मून। राइजिंग ऑफ द मून ये लिखा गया था 1907 में, और इसके जो राइटर हैं, जो लिखारी हैं, वो फीमेल हैं, लेडी ग्रिगोरी। ठीक है, ये इसके राइटर हैं। ये बढ़ते हैं इसके करेक्टर्स की तरफ। उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल इंग्लिश की दुनिया को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आप और हम इसी तरह जुड़े रहें। बढ़ते हैं इसके करेक्टर्स की तरफ। इसके करेक्टर्स जो हैं वो सिलेक्टेड करेक्टर हैं, मतलब मुख्तसर ये वन एक्ट प्ले है। याद रखिएगा कि ये वन एक्ट प्ले है और उसके जो करेक्टर्स हैं वो सिलेक्टेड हैं, मतलब कम हैं। ठीक है, तो एक सर्जेंट है जी। सबसे पहले सर्जेंट के बारे में बताता चलूं तो सर्जेंट जो है ये इंग्लैंड की जो है रियासत ने इस बंदे को भर्ती किया हुआ होता है। ये एक ऑफिसर होता है, लेकिन बेसिकली ये बंदा जी सर्जेंट जो है ये बिलोंग करता है आयरलैंड से। तो इसके जो दिल में मोहब्बत होती है वो आयरलैंड के लिए बाकी होती है। रैगेड मैन, ये एक आप जिसे भगोड़ा कह लें या भाग कराया हुआ कह लें, ठीक है, या इंग्लिश लोग जो है इस किस्म के बंदों को इंतहा पसंद कहते थे। ये बेसिकली रेवोल्यूशनरी था जो कि ही वाज फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ आयरलैंड। ठीक है, क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब इंग्लैंड ने कब्जा किया हुआ था आयरलैंड पे। तो इसके जैसे बंदे जो थे वो इस काविश में थे, वो कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तौर से आयरलैंड को इंग्लैंड से फतह दिलाई जाए। पुलिसमैन बी और पुलिसमैन एक्स, ये दो किरदार हैं, ये भी सामने आते हैं। ये दो पुलिसमैन होते हैं जो कि सर्जेंट के अंडर काम करते हैं। तो ये मुख्तसर करेक्टर थे इसके। तो अब हम बहस करते हैं इसकी बेसिक स्टोरी पे। जो ही ड्रामा शुरू होता है हम देखते हैं कि तीन जो मेन किरदार हैं उनमें से सर्जेंट हो गया और पुलिसमैन बी हो गया और पुलिसमैन एक्स हो गया। ठीक है, ये दो पुलिसमैन जो होते हैं ये सर्जेंट की जेर निगरानी, मैं आपको बता चुका हूँ कि सर्जेंट इनका ऑफिसर होता है, तो ये उसकी जेर निगरानी जो है वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सन, ठीक है, जो कि आयरिश मैन को होता है, ठीक है, उसकी तलाश कर रहे होते हैं। बेसिकली जो आयरिश मैन होता है वो एक रेवोल्यूशनरी होता है। और ये जो इसका थीम है बेसिक ड्रामा का वो ये होता है कि उस वक्त में जो आयरलैंड था वो इंग्लैंड के जेर तसल्लुत था। तो जो इस किस्म के बंदे थे, अब यहाँ पे रैगेड मैन मैंने लिखा हुआ, ये बेसिकली रेवोल्यूशनरी होता है, तो इस किस्म के बंदे जो थे ये रेवोल्यूशन थे और इनकी कोशिश थी कि आयरलैंड को इंग्लैंड से आज़ादी दिलाई जाए। ड्रामा शुरू होता है, हम देखते हैं कि रात का वक्त होता है लेकिन अंधेरा नहीं होता क्योंकि फुल मून होता है और जो विजिबल होती है हर चीज़। तो जो सर्जेंट होता है वो हुक्म करता है, जो उसके मातहत दो पुलिसमैन होते हैं, कि आप जाओ आपने पोस्टर लगाने हैं। वो पोस्टर लगा रहे होते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि जो दो पुलिसमैन हैं वो पोस्टर लगाते हैं बैरल के ऊपर। और इसके अलावा वो जब सीन शुरू होता है पोस्टर लगाने के बाद वो आगे चले जाते हैं ताकि दूसरी जगहों पर भी पोस्टर लगा सकें। तो जो सर्जेंट होता है वो जब पोस्टर को बड़े ध्यान से तसल्ली से पढ़ता है, तस्वीर लगी होती है कि इस बंदे को पकड़ने का 100 पाउंड जो है वो इनाम होगा। तो सर्जेंट ये सोचता है कि जो 100 पाउंड की रकम है वो जो यहाँ पे तनख्वाह ले रहा है उससे कहीं ज़्यादा है, तो इसके मज़े हो जाएंगे और इसके अलावा मेरी तो प्रमोशन भी हो जाएगी। सो वो ये इरादा करता है कि इस फरारी को, इस फरार और बंदे को, इस रेवोल्यूशनरी को मैंने ही पकड़ना है। वो मन ही मन में ये सोच रहा होता है तो वो देखता है कि थोड़ी देर बाद एक बंदा आता है जिसके कपड़े फटे पुराने होते हैं, वो वहाँ से गुजर रहा होता है। तो सर्जेंट उस बंदे को रोकता है कि हे रैगेड मैन कहता है। रैगेड मतलब चीथड़े, जब फट्टे पुराने कपड़े उसने पहने होते हैं तो इसलिए उसे रैगेड मैन कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग हेयर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो जो रैगेड मैन होता है, ठीक है, जिसने फट्टे पुराने कपड़े पहने होते हैं, वो उसकी तरफ आता है, उसे बताता है कि आई एम ए बैलेट सिंगर। ठीक है, बैलेट कहते हैं मतलब गाने को कहते हैं, रोमांटिक सॉन्ग को कहते हैं। ठीक है, कि मैं यहाँ पे बैलेट सिंगर हूँ और मैं यहाँ पे जो मलाह हैं साहिल समंदर पे, बेसिकली जो वो सीन होता है वो फिल्माया गया होता है, वो बनाया गया होता है साहिल समंदर पे। तो वो कहता है कि मैं इन मलाहों को मिलने आया और चूंकि मैं गरीब हूँ तो मैं जो है ये अपने ये बैलेट ये सॉन्ग वगैरह मलाहों को सुनाता हूँ या फिर ये कुछ चीज़ें वगैरह बेचता हूँ ताकि अपनी रोजी रोटी बना सकूँ। तो सर्जेंट उस बंदे को कहता है, उस रैकेट मैन को कहता है कि यू आर नॉट अलाउड टू स्टे हेयर, यहाँ पर रुकना आपके लिए अच्छा नहीं है या आप यहाँ पर नहीं रुक सकते। ठीक है, आपको यहाँ से जाना होगा।
उसके बाद वो चला जाता है। रैगेड मैन कहता है कि ठीक है मुझे कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जब वो जा रहा होता है, ठीक है, रैगेड मैन जब जा रहा होता है तो उसकी नज़र उस पोस्टर पर पड़ी होती है जो दो पुलिस मैनों ने लगाई थी, तो वो पढ़ता है और सारे कहता है कि ये बंदा, मैं जानता हूँ इस बंदे को, ठीक है, मैं जानता हूँ इस बंदे को और मैं आपकी हेल्प करता हूँ इस बंदे को पकड़ने में। तो ये सोचकर सार्जेंट जो है वो रैगेड मैन को रोक लेता है कि भाई बड़ी कमाल की बात है, हम यहाँ पे मतलब बैठे हुए हैं काफ़ी देर से और एक ऐसे बंदे का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि रेवोल्यूशनरी या आराम से पकड़ना, और आप उस बंदे को जानते हो, तो वो इसे रोक लेता है। बहरहाल जो रैगेड मैन होता है वो वहाँ पे रुक जाता है और वहाँ पे बैठते हैं, बातें करने लग जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद रैगेड मैन जो है वो उसे माचिस मांगता है, डीएसएलआर मांगता है ताकि अपना पाइप जला सके। तो सार्जेंट जो है वो उस बंदे को अपना माचिस देता है, डीएसएलआर देता है और दोनों फिर इकट्ठे बैठ कर पाइप पीते हैं और बातें शुरू कर देते हैं। तो सार्जेंट जो है वो अपना दुख, अपने दुख का राग गलापता है और कहता है कि यार जो हमारी ड्यूटी है ना, ये बहुत ही टफ ड्यूटी है और जितनी हम ड्यूटी करते हैं हमें इसके अगेंस्ट जो पे है हमारी बहुत ही कम है, तो मतलब ये हमारे लिए बड़ी टेंशन है। उसके साथ साथ सार्जेंट एक और चीज़ भी सोच रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि यार ये जो 100 पाउंड्स की रकम मिलेगी तो मैं इसके साथ, अब जिस बंदे को मैंने अपने साथ बिठा दिया तो मैं इसके साथ शेयर तो नहीं करने वाला। तो जब वो ये चीज़ सोच रहा होता है ना तो जो सामने रैगेड मैन बैठा होता है वो भी समझ लेता है कि ये बंदा यही बात सोच रहा है। तो रैगेड मैन उसे पहले ही बता देता है कि भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे हिस्सा नहीं मांगने वाला। तो ये सुनकर जो सार्जेंट होता है वो बहुत खुश हो जाता है कि यार कितना भला आदमी है, अच्छा आदमी है। तो उसके बाद बताता है कि यार मेरी जो ड्यूटी है, मेरी जॉब है, बहुत ही टफ है, इसके मामले इसके मुकाबले में जो हमारी पे है बहुत ही कम है। और इसके अलावा बेसिकली एक वक्त ऐसा था कि जब मैं खुद रेवोल्यूशनरी था, ठीक है, और मैं भी मतलब आयरलैंड के लिए हम लड़ा करते थे, लेकिन चूंकि कुछ हालात ऐसे हो गए कि मुझे यहाँ पे इस पुलिस में भर्ती होना पड़ा और अब उन्हीं रेवोल्यूशनरीज के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा तकलीफदेह मकाम है और हम यहाँ पे भी हमारे लिए मुश्किल आते हैं और हम उन जो आयरलैंड के बाशिंदे हैं हम उनसे भी गालियां खाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। अब रैगेड मैन ने जब देखा कि इसके अंदर हुबुल वतनी का जज्बा है, ये बेसिकली आयरलैंड से है और इसके अंदर हुबुल वतनी का जज्बा है, तो उसने एक बैलेड सॉन्ग गाना शुरू कर दिया। तो जो ही उसने बैलेड सॉन्ग शुरू किया तो जो सार्जेंट वो एक लाइन उसमें भूल गया था, बैलेड जो गा रहा था वो रैगेड मैन उसका एक लाइन भूल जाता है और जो ही वो लाइन भूलता है सार्जेंट जो है उस लाइन को पिक करता है और गाना शुरू कर देता है। तो जो ही वो मतलब वो लाइन गाता है तो रैगेड मैन जो होता है वो बड़ा हैरान हो जाता है कि हैं ये आप गा सकते हो, तो ये आप सब मतलब कैसे कर सकते हो। तो कुछ इस किस्म की जो गुफ्तगु होती है, आप गाने का वो सुन लें, गाने का जो बोल थे वो थे हॉर्स ऑफ ग्रैनुअल, ठीक है, ये आप ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं हॉर्स ऑफ ग्रैनुअल। तो इसके अलावा जब उनके दोनों के दरमियान बहस होती है उस बंदे पे जिसके लिए वो बैठे होते हैं रेवोल्यूशनरी पे, तो वो जो रैगेड मैन है उसे बताता है कि ये जो आप ये जो तस्वीर लगी हुई है मैं इसे जानता हूँ और ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है और उसके तो ये हर किस्म का असला चलाना जानता है और इसके अलावा इतने मोटे मसल्स हैं और ये जो 100 पाउंड्स की रकम रखी गई इनामी ये इस बंदे के मुकाबले में इंतहाई कम है, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, और मैं तो इसे मेरे लिए तो इंतहाई मुश्किल है इस बंदे को पकड़ना। और दूसरा जो ये है कि ये जो है पिछले रिसेंटली एक किसी सार्जेंट को कत्ल कर चुका है, इसके अलावा ये कई पुलिस वालों को भी कत्ल कर चुका है, तो ये बहुत ही टफ काम होगा इसे पकड़ना। अच्छा, तो अब जब दो बंदों के दरमियान बातचीत हो रही थी तो हम ये देखते हैं कि साहिल समंदर पर थोड़ा आगे करके ओर की आवाज़ आ रही थी, और कहते हैं कश्ती के चप्पुओं को, तो चप्पुओं के चलने की जो है वो आवाज़ आ रही थी और जो बैलेड सिंगर था जो रैगेड मैन था वो जो पेट्रियोटिक सॉन्ग गा रहा था उसकी आवाज़ जो है वो और ज़्यादा लाउडली वो गा रहा था। तो यूँ सर्जेंट को यूँ लगा जैसे ये किसी को सिग्नल दे रहा हो, ठीक है, सर्जेंट ने उसे मना किया कि भाई आप क्या कर रहे हो, आहिस्ता करो, बस कर दो गीत गाना, तो वो उसकी नहीं सुन रहा था, ठीक है, वो उसकी नहीं बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था और वो अपने गाने को मजीद लाउड कर रहा था और वो उसके लिए वाजे हो गया था कि ये तो अब किसी को सिग्नल दे रहा है। तो सर्जेंट ने जो है वो उसे धमकी दे कि बस कर दो अपना गाना, स्टॉप सिंगिंग, ठीक है, बस कर दो अपना गाना, ठीक है। तो उसमें ये हुआ कि बैलेड सिंगर से उसने पूछा कि भाई आप बताओ आप बेसिकली क्या हो,
ये आप बैलेट बैलेट सिंगर जो है ना, ये आप नहीं हो, आप कुछ और हो, आप अपना अपनी असलियत बताओ। तो वहां पे जो है, जो रैकेट में जो बैलेट सिंगर होता है वो अपनी असलियत आश्कार करता है और उसकी जो विग होती है वो उतारता है, और इसके अलावा जो और उसने मतलब जो नक्शा वो अपना बनाया हुआ था, होलिया बनाया हुआ था, वो हटाता है, और उसके बाद जो पोस्टर लगा हुआ था वहां उसकी तरफ सर्जेंट कहते हैं कि वो पोस्टर देखो और मुझे देखो। इट मीन्स कि वो बता रहा था कि जो आप जिस बंदे की तलाश कर रहे हैं, जो बंदा आप ढूंढ रहे हैं, वो बेसिकली मैं ही हूं। तो सर्जेंट जो है वो चौंकाना हो जाता है कि कहता है कि खबरदार आपने यहां से बिल्कुल भी नहीं हिलना। तो लेकिन वो बताता है कि वो मेरे दोस्त हैं जो आप चप्पू की आवाज सुन रहे हो, वो कोई और नहीं है, वो मुझसे ही, वो भी मेरे साथी हैं, रेवोल्यूशनरी हैं, और वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और बाई हुक और बाई क्रुक मैं उन्हें मिलने के लिए जाऊंगा। सर्जेंट उसे रोकता है तो वो कहता है कि नहीं मैं जाऊंगा, और वो अपना पिस्तौल तान लेता है। जो ही वो पिस्तौल तानता है तो हम देखते हैं ड्रामा में जो है दो पुलिसमैन, जो हम शुरू में देखते थे पुलिसमैन एक्स और पुलिसमैन बी, वो सामने आते हैं। और जब वो सामने आते हैं तो रैकेट मैन जो होता है वो जो एक स्टैंड होता है या जहां पे पोस्टर लगा होता है उसके पीछे छुप जाता है, और उसकी जो विग होती है, जो दूसरा सामान होता है, वो सर्जेंट अपने पीछे छुपा लेता है। इट मींस कि वो नहीं बताना चाहता। यहां पे हम ये सामने हम ये चीज देखते हैं कि वो नहीं बताना चाहता, जब उन सर्जेंट्स पुलिसमैन को नहीं दिखाना चाहता कि मेरे अलावा भी यहां पे कोई बंदा मौजूद था। और उन पुलिसमैन को, चूंकि वो सर्जेंट जो है वो सीनियर था, तो वो उन पुलिसमैन को ऑर्डर करता है कि आप यहां से चले जाओ, यहां पे बंदा आएगा तो मैं काबू कर लूंगा, आप दूसरे साहिले समंदर की तरफ चले जाओ। अगरचे वो जो पुलिसमैन होते हैं वो यहां पर रुकने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, बट जो सर्जेंट होता है वो उन्हें आगे भेज देता है जबरदस्ती, और वो ये कहते हुए कि आई एम सीनियर टू यू एंड दिस इज माय ऑर्डर, सो दे विल हैव टू विलिंगली दे विल हैव टू ओबे द दे हैड टू ओबे द ऑर्डर। सो वो वहां से चले जाते हैं। तो जो ही वो मतलब वहां से चले जाते हैं तो रैगेड मैन जो है वो शुक्रिया अदा करता है उस सर्जेंट का, और सर्जेंट को कहता है कि यकीनन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं ये आपका एहसान याद रखूंगा आज जो आपने मुझ पर एहसान किया है, और जब आयरलैंड आज़ाद होगा तो मैं यकीनन कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर करूंगा। और ये कहते हुए जो रैकेट मैन होता है वो अपना सामान सर्जेंट से लेकर, वो जो उसका मतलब जो बहरूप था उसका, वो उसका जो सामान था वो लेकर वहाँ से चलता बना है। तो बाद में क्या होता है जी, जब वो चला जाता है तो सर्जेंट जो है वो सोच रहा होता है कि यार मैंने क्या किया, 1,100 जो पाउंड्स की रकम थी वो मैंने खो दी, और इसके अलावा ये मेरी ड्यूटी थी, मैंने अपना फर्ज सही तरीके से अदा नहीं किया, तो आया कि ये मैंने क्या किया। लेकिन दिल ही दिल में वो थोड़ी सी खुशी भी होती है कि उसने अपने रेवोल्यूशनरी जो साथी था उसकी मदद की है। तो ये था आज का प्ले, मैं उम्मीद करता हूँ आपने आज का प्ले जो है वो आपको अच्छा लगा होगा, इसकी जो ट्रांसलेशन थी। अगर आप चाहते हैं किस तरह मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्लेज और नावल्स और इंग्लिश लिटरेचर की मुख्तलिफ और भी चीज़ें लेकर आता रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह नेकबान।